हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, मैं विंदर सिंह आसफ। कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि जैसे पहले का आपने टेस्ट दिया था गोविंदगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज का, तो उसी तरीके से फिर देना होगा आपके टेस्ट। 10 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो आप करेक्ट जो आंसर है सो अगर सही दोगे तो 100% बनेगा। अगर उसमें मिनिमम जो दिया हुआ है 60% तो होना चाहिए, उससे ऊपर हो गए तभी कि आपका सर्टिफिकेट बन के बाई मेल सेंड कर दिया जाएगा। अदरवाइज कम होंगे तो आपको उसमें नहीं सेंड करेगा। तो इसी तरीके से जैसे पहले आपको हमने दिया था फर्स्ट टाइम जो था, एक आपने एग्ज़ाम वो फर्स्ट किया था, तो इसी तरीके से आपको भी करना होगा अब की बार फाइट। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, फॉलो करें वीडियो को, लास्ट तक देखें, लास्ट तक वीडियो को देखें तभी आप समझ पाएंगे। और एक्यूरेट मैंने इसमें जो पूरे ही 100% है जो सही इसमें आंसर किए, तो आप उसी तरीके से उसी को करें तो आप कर पाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो कि हमने कॉपी कर रखा था ऑलरेडी, और उसके बाद हम चलते हैं, एक ब्राउज़र ओपन कर लें आप कोई भी, तो उसको सबसे पहले यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम सर्च कर लेते हैं, सॉरी इस पे शो नहीं कर रहा फ़िलहाल में। बाकी हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे, तो क्रोम ब्राउज़र पे चलने के बाद में हम यहाँ पे ही से हमारा, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं इसको, और उसमें थोड़ा शायद कोई इशू आ रही थी प्रॉब्लम, उसकी वजह से ठीक है ओपन हो गया। यहाँ पे हमने डायरेक्ट ये लेके जा रहे हैं, देखिए राजकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ अलवर, तो हमें लेके चला गया। तो हम यहाँ पे सिंग इन करेंगे, तो सिंग इन करने के लिए हम एक जीमेल का उपयोग करेंगे। तो थोड़ा पीछे चलते हैं, आगे आ गया था, सिंग इन करते हैं, सिंग इन करने के बाद जीमेल लगाते हैं हम अपनी। तो टाइप कर देते हैं, हमारा ये जीमेल है, पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है ये ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम एक जीमेल लगा देते हैं जिस पे हमारा जो सर्टिफिकेट वो बन के आएगा। तो सबसे पहले हम अपना एक जीमेल डाल देते हैं, तो जीमेल हम दूसरा डाल रहे हैं, ठीक है हम याहू का डाल रहे हैं। तो उसके बाद हम अपना नाम डाल देते हैं, नाम डालने के बाद में हम अपना कक्षा चूज कर लेते हैं क्योंकि हमारा बीए थर्ड ईयर है। महाविद्यालय का नाम डाल लेते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज गोविंदगढ़ अलवर राजस्थान, नेक्स्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि जो हम बिल्कुल आपको बताएंगे कि धीरे 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 किस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है, तो इसके आंसर हम बताएँगे आपको। हम इसको जैसे हम बता रहे हैं आपको, तो बिल्कुल ही ऐसे ही करना है। और देखिए हम सबसे पहले स्लो मोशन में बताएंगे जिससे आपको बिल्कुल भी एक भी मिस ना हो। तो कबूतर का पर्यावाची नहीं है, मतलब नहीं है वो पूछ रहा है। इसमें परावत ये भी इसका पर्यावाची है, रक्त लोचन और कलरव ये भी हैं, बाकी शालूर नाम से एक जो है इसमें शब्द यह नहीं है, ठीक है। सबसे पहला ये करेक्ट हो गया, बाकी आप खुद करना चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे, जो मैं सही बता रहा हूँ वो सही बिल्कुल होगा, ठीक है। दूसरा आता है संगत युग्म नहीं है, जो मतलब मिलते जुलते नहीं है। मृग चमरी ये भी मिलता हुआ है, मेंढक बहक ये भी मिलता हुआ है, दधि तक्र ये भी मिलता है, बाकी शशि मातरंग ये नहीं मिलता हुआ है। तो यहाँ पे आप टिक कर लें, फिर थोड़ा ऊपर करते हैं स्क्रॉल। उसके बाद आता है असंगत युग्म है, जो मतलब असंगत है वही सेम, असंगत माने अलग, बाकी मिलते जुलते हैं, जैसे किस बंदर असम प्रस्तर ये भी मिलता जुलता है, और वृंदुम मूंगा ये भी मिलता जुलता है। उसके बाद आता है बलाहक बलराम, तो ये अलग है सबसे, ठीक है, तो आप इस पे टिक करें हमेशा ध्यान रखें। और उसके बाद आता है चौथा है
किस समूह में सभी हाथी के पर्यायवाची हैं? अब ये बताओ इसमें जो सब शब्द हैं जो पर्यायवाची किस में, कौन से अंक में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? तो ये सबसे पहले जो आपको लिखा हुआ है कुंजर हस्ती मलंग करी और कुंजर मलंग करी दृढ़ और एक वितुंड सिंदूर कुंभी दृढ़। सबसे पहले द्रिज, द्रिज है जो द्रिज, इस पर टिक करना आपको थर्ड पे और फोर्थ वाला भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं पाँचवें पे, हंस का पर्यायवाची नहीं है, मतलब हंस का पर्यायवाची नहीं है, वो ये पूछ रहा है। एक तो मराल हो गया, चक्रांग हो गया, मानसोक हो गया, तो इसमें सभी हैं, ठीक है, इसमें सभी आते हैं। थोड़ा स्क्रॉल ओवर करते हैं ऊपर की तरफ, उसको सूर्य का पर्यायवाची है, जो सूर्य का पर्यायवाची मतलब पर्यायवाची तो ये सभी हैं जो लिखे हैं, बाकी शुद्ध या अशुद्ध लिखे हुए, शुद्ध कौन सा है? तो इसमें थर्ड नंबर का है तरणी। उसके बाद आता है सही युग्म, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो इसमें वर्षा, निहार, जल, व्रण, मोर, पिशुन या दंतरंध। तो सबसे फर्स्ट में आएगा जो वो दंतरंध वाला आएगा। थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ, सही नहीं है, तो इसमें फिर यही आ गया सही नहीं, जो इनमें सही नहीं है, बाकी कौन सा सही है? इसमें तीन सही हैं और एक सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है? मंदार, कामदेव, और सही कौन सा है? पारिजात, कल्पवृक्ष, इंद्र शुक्र, झरना उच्च। तो ये तीनों सही हैं और सही वो नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम ऊपर को टिक करते हैं फर्स्ट वाले को। उसके बाद आता है फिर आठवां, तो आठवां है जो सही है, सही इसमें है जो, देखो व्रज अश्नि, ये बिल्कुल सही है, व्रज अश्नि है, विष्णु अहिष ये नहीं है, विष्णु महिषा है, विष्णु महिषा तो वो सही होता अगर विष्णु महिषा होता, बाकी विष्णु अहिष गलत है। घोड़ा कृष्ण सार, ये भी इसका गलत है। सीता अपना, मतलब सीता के पर्यायवाची शब्द अलग अलग हैं, बाकी ये गलत है। तो सबसे जो सही है वो ऊपर वाला सही है, जो ऊपर का सबसे, तीनों गलत है, सही नहीं है। अब इसमें भी यही है कि सही नहीं है, बाकी तीन सही हैं और एक सही नहीं है। तो इसमें सही शर्वरी प्राते, ये तो गलत है, बाकी तीन सही हैं, दावन, विची लहर और शफरी मछली, तो ये तीन सही हैं एक गलत है। तो सबमिट पे ओके कर देते हैं। सबमिट पे ओके करने के बाद में अपना व्याकरण प्रश्नोत्तरी पर्यायवाची शब्द, तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद, ये लिखा होना चाहिए। व्यू स्कोर आप अपना यहाँ पे स्कोर देख सकते हैं, टिक करते हैं और इसमें आप नीचे करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, आप ऊपर देख रहे होंगे, देखो नीचे स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा, वही सेम लिखा हुआ है, राजकीय महाविद्यालय गोविंद अलवर द्वारा आयोजित, ठीक है, ये अलवर द्वारा है। तो ये ईमेल एड्रेस है, ईमेल अगर यहाँ से आप चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर नाम डाल दिया, अपनी कक्षा कौन सी क्लास में हो और महाविद्यालय का नाम आप नाम डाल दें यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं आपका प्रश्न सही है या गलत है। तो देखिए कबूतर का पर्यायवाची शब्द शालूर नहीं है, और इस तरीके से आप स्क्रॉल कर लें सभी, देखिए आपको यहाँ पे पता लग जाएगा, ठीक है। और कुछ ही टाइम में जो मेल है वो आपकी जीमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बिचके से करते हैं, यहाँ से ये सभी टिक मार्क सही हो गया है, देख रहे हैं जैसे आप, हम बिचके से बाहर चलते हैं और हम अपने, देखिए हमारे पास एक मेल आ चुका है सर्टिफिकेट का, तो हम उसको चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर ऊपर तो अलग लिखा हुआ है एक फेसबुक कॉन्टैक्ट स्टोरेज, बाकी ये देखिए सेकंड नंबर का, यहाँ पे हम ओके करते हैं तो वही देखिए बिल्कुल आ गया लिखा हुआ व्याकरण प्रश्नोत्तरी पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ पर ये लिखा आ गया। यहाँ पर आप इसको मूव टू डाउनलोड, यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट देख सकते हैं आपका कितने नंबर का बना हुआ है, ओके, ये थोड़ा यहाँ पे दिख गया होगा आपको, देखें आप यहाँ पे राजकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ अलवर, ये प्रमाणित किया जाता है कि बिंदर सिंह ने व्याकरण प्रश्नोत्तरी पर्यायवाची शब्द में भाग लेकर 100% अंक प्राप्त किए हैं, हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे सब कुछ है, इस तरीके से आप ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं और भविष्य में इसका कोई ना कोई, मान लीजिए अगर इसमें आ सकता है कि काम आ सकती है ये प्रश्नोत्तरों का, ये सबसे अच्छी बात ये कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरी बात ये कि आपको अगर कहीं काम आता है भविष्य में तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अगले की दिन। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जिससे कुछ ना कुछ सभी को सीखने को मिले। उसमें 10 क्वेश्चन पर्यायवाची के हैं जो इसमें आपको ये सीखने को मिलेगा कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर ये इसका आपको ये भी हो जाएगा कि रिवाइज भी हो जाएगा साथ साथ, इसमें
एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, सबसे बड़ा फायदा ये। और आपको अगर उसमें कुछ भी नहीं आता वो सीख भी सकते हैं, जो आपको नहीं आता होगा वो सीख जाओगे तो नेक्स्ट टाइम क्या पता आपको मतलब हाई क्वालिटी का अगर एग्जाम देते हो आप हाईएस्ट का, तो अगर कोई जॉब का देते हो तो उसका भी आप उसमें अगर आते हैं आंसर तो उसका भी आंसर दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।